केप टाउन में कमाल करने के बेहद करीब यानी इतिहास रचने के बेहद करीब खड़ी है टीम इंडिया या अभी भी मेजबान टीम के पास है एडवांटेज, इसी पर करेंगे हम चर्चा। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, मैं हूं सैयद और मेरे साथ जुड़ेंगे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर। संजय बहुत स्वागत है आपका क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में। धन्यवाद। एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खासतौर से जिस वक्त कीगन पीटरसन खेल रहे थे, लेकिन पहले शमी का वो एक ओवर जिसमें दो विकेट और फिर जसप्रीत बुमराह एज ऑलवेज एक बार फिर पांच विकेट, ऐसा लगता है कि राह बना दी भारत के लिए बुमराह ने। जी हाँ, और जो हमें उम्मीद थी और जो हम बार बार इस प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी है वो बहुत ही कमजोर है और वो हमेशा भारत को गेम में रखेगी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन ये एक हमेशा मौका मिल जाता है जब आप एक कमजोर बल्लेबाज टीम के साथ खेलते हो कि वापस आने का इस तरह का मौका होता है। प्लस भारत के पास अभी क्वालिटी सीम बॉलर्स है और जो गलतियां मुझे लगी लास्ट टेस्ट मैच में हुई लाइन के वजह से वो इस टेस्ट मैच में सुधारी और बॉलर्स ने वापस इस टीम को गेम में लाया और अभी लग रहा है कि भारत का पलड़ा ज्यादा भारी। संजय वैसे तो हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की जिन्होंने पांच विकेट लिया, लेकिन कहीं से भी हम मोहम्मद शमी या शार्दुल ठाकुर, भले ही शार्दुल ठाकुर को विकेट एक मिली हो लेकिन जो आपने देखा होगा उनकी लाइन लेंथ लगातार परेशान कर रहे थे वो। जी हाँ, उमेश यादव को भी ना भूले, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया। बुमराह की खास बात ये थी इस टेस्ट मैच में कि हम पिछले मैच में कह रहे थे और मैं कह रहा था कि ईशांत शर्मा को इस मैच में खिलाना चाहिए थोड़ा इकोनॉमी की तरफ ध्यान देने के लिए ताकि कोई बॉलर ऐसा हो को जो मैच को कंट्रोल करे। इस मैच में बुमराह ने वो रोल निभाए, एक तो इकोनॉमी रेट बहुत उनका कम था, मैच को कंट्रोल में रखा, पेशेंस टेस्ट किया और ऊपर से विकेट भी लिए उन्होंने। शार्दुल ठाकुर हमेशा की तरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव, उमेश यादव बहुत ज्यादा, लेकिन जो कॉम्बिनेशन भारत को चाहिए था वो बुमराह ने दिया। जो ईशांत शर्मा का रोल प्ले करना चाहिए था, एक एंड पकड़ के ज्यादा रन ना दे, वो भी उन्होंने किया, सबसे ज्यादा ओवर्स उन्होंने डाले और ऊपर से उन्होंने विकेट्स लिए और तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स पांच में से। तो बुमराह ने अपना फिर से जलवा दिखाया संजय, और एक जलवा लगातार देखने को मिल रहा है। मेजबान टीम की हम बात करते हैं तो एक खिलाड़ी है जो हमेशा ऐसा लगता है महफिल लूट के ले जा रहा है और वो है पीटरसन, कीगन पीटरसन। एक बार फिर लाजवाब पारी, 72 रन, और ऐसा लगा जिस वक्त वो खेल रहे थे कि भारत से वो मैच दूर ले जा रहे हैं। जी हाँ, नाम में ही कुछ है पीटरसन, जो बल्लेबाज होते हैं पीटरसन थोड़ा सा अलग होते हैं। पिछले मैच में भी हमने बहुत उनके बारे में बात की, तारीफ की और इस मैच में भी अकेले डटे रहे। खास बात उनकी जो है बहुत कम देखने को आजकल मिलता है सैयद के कोई इतना टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज हो, और जब वो खेलते तो आप देखिए पिच कितना आसान लगने लगता है, बॉलर्स भी थोड़े से ऑर्डिनरी लगने लगते हैं। शामी के एक गेंद मैंने देखी मिडिल स्टंप पे गुड लेंथ पे डाली थी, हल्की सी अंदर आए, उन्होंने बैकफुट पे जाके उसको पंच किया लेग साइड की तरफ। तो एक उभरता सितारा बहुत सिंपल से है, यानी पैकेजिंग इतना ज्यादा उनका जैजी नहीं है, लेकिन टैलेंट अगर देखे तो वर्ल्ड क्रिकेट में जो बैटिंग का उनका जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हम कहते हैं बल्लेबाजी के, टेस्ट क्रिकेट पे जो चाहिए वो पीटरसन में भरपूर है और वो देखने को मिला। और जब आपके पास इस तरह का अप्रोच या टेक्निक होता है तो बल्लेबाजी कितनी आसान हो जाती है। उनका स्ट्राइक रेट भी देखिए, बिना ज्यादा अटैक करने की कोशिश में स्ट्राइक रेट भी उनका बढ़िया था, तो बहुत ही इंप्रेसिव रहे हैं कीगन पीटरसन। संजय आपने तकनीक की बात की और जाहिर तौर पर अगर कीगन पीटरसन की बात करें तो जबरदस्त टेक्निक, लेकिन वही बात जब हम भारतीय बल्लेबाजों की करते हैं, खासतौर से दूसरी पारी में जब उम्मीद थी कि एक अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को मिलेगी केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की तरफ से, तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा निराश किया, दोनों ही बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। क्या पिच में कुछ ऐसा है कि आप वहां पर सेट नहीं हो पाते हैं या कुछ तकनीक का आपका जो इम्तिहान है ये पिच लगातार ले रही है? देखिये, साउथ अफ्रीका सबसे मुश्किल पिच रहा है वर्ल्ड में, अगर आप दिग्गज बल्लेबाजों को भी लिए, भारतीय बल्लेबाजों को भी लिए ले तो उनका औसत साउथ अफ्रीका में इतना ज्यादा नहीं है। और ये सब के साथ होता है कि साउथ अफ्रीका में क्या है कि पेस और बाउंस तो होता ही है, लेकिन हर पिच में
पिच से मूवमेंट मिलती है बॉल को, इसीलिए बल्लेबाज टेस्ट होता है, उनका डिफेंस टेस्ट होता है, तो मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे बल्लेबाज आसानी से खेल सकते हैं। हमने पास्ट में भी देखा है कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने वहां पर रन किए, वीवीएस लक्ष्मण, तेंदुलकर, विराट कोहली, पुजारा ने 150 रन बनाए वहां पर। तो अच्छी अगर टेक्निक हो, डिफेंस अच्छा हो, तो आप सर्वाइव हो सकते हैं। लेकिन अब सिलसिला शायद थोड़ा सा बदल रहा है कि ओपनर्स फेल हो रहे हैं और मिडिल ऑर्डर थोड़े से रन बना रहे हैं। हमने देखा इंग्लैंड में अलग चल रहा था, तो राहुल और मयंक अग्रवाल, ये जोड़ी फिर से फेल हो गई इस इनिंग्स में। मयंक अग्रवाल अभी मुझे लगता है चिंता का विषय है, लेकिन भारत लकी है कि रोहित शर्मा रिजर्व में है, वो जब फिट हो जाएंगे तो वो ओपन करेंगे, क्योंकि आउटसाइड द ऑफ स्टंप मयंक अग्रवाल को थोड़ी सी परेशानी है। और केएल राहुल के बारे में एक ही चीज कहूंगा कि कुछ अलग उनके करियर में एक मैंने देखा है, 40 के ऊपर टेस्ट मैचेस हो गए, बहुत ही क्लास प्लेयर है, लेकिन औसत है 35, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन हो नहीं रहा, कि इतने अच्छे बल्लेबाज हंड्रेड्स भी बनाते हैं, 200 भी है उनका, लेकिन औसत 35 की। तो मैंने जरा उनकी बैटिंग इनिंग्स लिस्ट देखी, थोड़ा सा एक लंबा आंसर दे रहा हूं आपको, माफ कीजिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब वो 100 बनाते, एक बार इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 149 किए ओवल में, अगर आपको याद है, जब ऋषभ पंत ने भी रन किए, उसके बाद उनके स्कोर्स है 0-4, 33-2, 44-2, 0-9। फिर अभी इंग्लैंड में लॉर्ड्स में उन्होंने जब 129 रन बनाया, उसके बाद स्कोर 5-0, 8-17, 40। अभी 123 के बाद भी फेलियर्स थोड़े से चालू हो गए, 50 रन हुए उनके जरूर, लेकिन उसके बाद 8-12-10। तो कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर जब करते हैं उसके बाद एक रफ्तार सी हो जाती है छोटे स्कोरों की, उसके बारे में उनको कुछ करना पड़ेगा। बेशक। और संजय, एक अच्छी चीज यही है जो आपने पहले भी कही कि सलामी बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, तो मध्य क्रम एक बार फिर से रंग में आता हुआ नजर आ रहा है, और आज भी अब तक कम से कम यही दिखा, दूसरे दिन के खेल के समाप्ति होने तक विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा वहां पर मौजूद है। यही मेरा आपसे तीसरा सवाल, आखिरी सवाल भी होगा संजय, कि तीसरे दिन की जो पिच है वो कैसा खेलेगी, क्या तस्वीर लेकर सामने आएगी, भारत के लिए कौन सा ऐसा लक्ष्य होगा जो जहन में चल रहा होगा, वो याद रखते हुए कि जोहान्सबर्ग में भारत ने 240 का लक्ष्य दिया था, लेकिन वो भी पीछा कर गई थी मेजबान टीम। जी हाँ, कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से पुजारा और विराट कोहली देखने को मिले, हम जिस तरह से खेले, उनकी जो शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज जो हम कहते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव लगी। और कहीं ना कहीं भारत ये पॉजिटिविटी जो विराट कोहली लाते हैं कि हमें अभी थोड़ा सा लीड है आपके ऊपर, ये वो दर्शाएंगे, साइकोलॉजिकली ऑपोजिशन को दिखाएंगे कि हम ऑन टॉप है, और विराट कोहली ने पिछले इनिंग में रन किए तो उसका प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देगा, और इस टीम के खिलाफ या 240 उन्होंने जरूर चेस किए बहुत आसानी से, एल्गर ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन 150-200 के ऊपर अगर करना हो तो इस टीम को, इस कमजोर साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को मुश्किल ही होगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में, और जिस तरह से पुजारा और विराट कोहली का अप्रोच मैंने देखा शाम को, लगता है कि अच्छे संकेत है भारत के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि आप ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी भी फॉलो करें, और साथ ही साथ हमारी बॉल बाय बॉल लाइव हिंदी कमेंट्री का भी लुत्फ उठाएं, वीडियोस और कई विश्लेषण और आर्टिकल्स भी वहां पर मौजूद हैं।